देखो देखो संदीप माता के भारत माता के। आज हिरणकी गांव में संविधान निर्माता भारत के जिन्होंने संविधान का रचयिता और इन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन इनको लिखने के इतना समय लिखा, इन्होंने उसकी स्वर्ण रचना करी। और भीमराव बाबा जी जो है हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, इनकी रचना करी, तो इन्होंने हमें क्या दिया? समानता का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया। आज जो हमारे समाज में एक कुरीति है कि छोटे बड़े का बहुत बड़ा फर्क मानते हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस बुराई को हटा करके दलित वर्ग से जो अपमान हुआ करता था कि इनको समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस बुराई को दूर किया और सबको समान अधिकार दिया। हमें सबको मिलजुल कर संगठन में रह करके सबको रहना चाहिए। कोई यहाँ छोटा नहीं है, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और मैं तो देखो जब से इस पार्टी में जुड़ी हूँ या मुझे जब से होश आया है कि मैं जो मेरे में सोचने समझने की शक्ति आई है, मैंने बचपन से ही कभी ना मेरे घर में और ना मेरी ससुराल में मैंने ऐसा माहौल देखा कि कोई छोटे बड़े में फर्क करता हो। मेरे स्वर्गीय ससुर जी सुखराम पहलवान जी, वो भी चाहे वो दलित वर्ग का इंसान था, चाहे वो पिछड़े वर्ग का था, कोई भी था, उसको अपने पास बिठाया करते और उनके हक की लड़ाई हमेशा वो लड़ा करते थे। तो वो एक सामाजिक इनकमिंग वॉइस, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई मैं भी उनकी पुत्र वधु जनता देवी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मेरे द्वारा किसी का भी कोई अपमान ना हो। मैं कोई आप में से कोई भी मुझे कहीं भी बुलाएगा, मैं आपके सामने हाजिर उपस्थित होंगी। ऐसा नहीं है, होया होगा कोई नेता आया होगा, कोई बड़ा होगा, मैं नहीं।